स्वागत है आप सबका फरांसस ट्यूटोरियल्स के इस बायोलॉजी वीडियो सीरीज के अंदर, जिसमें हम लोग लेसन डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। जब कभी भी आपने रेस्पिरेशन के वर्ड के बारे में सुना होगा, तब आप सबके दिमाग में यही बात आई होगी कि टेकिंग इन ऑक्सीजन और गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो डेफिनेशन आपके दिमाग में इस वक्त है, दैट इज रेस्पिरेशन का, टेकिंग इन ऑक्सीजन और गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ये हालांकि एक रियल डेफिनेशन नहीं है रेस्पिरेशन का, बल्कि ये जो आप जानते हैं ये जस्ट पार्ट है रेस्पिरेशन का। तो आप सबके दिमाग में इस वक्त यही क्वेश्चन आया होगा कि रेस्पिरेशन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो आप सबको बताना चाहूंगा कि अगर मैं आप मुझसे पूछे कि रेस्पिरेशन का एक्चुअल डेफिनेशन है क्या, या रेस्पिरेशन को मैं किस तरीके से डिफाइन करना चाहूँ, तो मैं सिंपल वन लाइन में आप सबके सामने रेस्पिरेशन को डिफाइन करना चाहूंगा कि इट इज अ प्रोसेस टू मेक एनर्जी। ये एक प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी बनाता है। जब कभी भी आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक को गिने, तो आप सब जानते होंगे कि इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि हाँ, रेस्पिरेशन एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, यानी उसका असल डेफिनेशन है। यानी अगर मैं बोलूं कि कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रेस्पिरेशन करता ही नहीं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यानी इस दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं। इस पूरे वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये रेस्पिरेशन यानी एनर्जी बनाने के प्रोसेस को एकदम डिटेल में समझेंगे। इस तक या आज तक तुमने जितने भी सारे कॉन्सेप्ट सुने होंगे, जैसे कि एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन आप सब लोगों ने सुना होगा, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, और फिर हम अगर ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं तो वो जाता कहाँ पे है, ऐसे बहुत सारे चीजें जो सिर्फ आपने सुने होंगे, ये वीडियो सीरीज के अंदर आप सबको इन सभी चीजों का जवाब मिल जाएगा। या फिर मैं कहूँ कि आप सबको क्लियरली डिफाइन हो जाएगा कि असल में रेस्पिरेशन है क्या।